सत श्री अकाल जी सारे किसान भरावां नूं। तो अज तुहानूं एक ट्रैक्टर बारे जानकारी देनी है, बहुत इंपोर्टेंट है एक ट्रैक्टर बारे आ। मतलब ये समस्या आम ट्रैक्टरां विच आ जांदी है, तो मतलब हरेक जिमीदार भरा मतलब ज़्यादातर गलती कर जांदे ने आम तौर पर, वो मतलब इस बारे ज्ञान ना होण करके काम बारे। इहदे क्लच विच समस्या ट्रैक्टरां दे ज़्यादा आउंदी है, तुहानूं दस्सदे अज वी इह की मतलब गलती करदे ने, मतलब की अपनों समस्या आती है तो अपना नुकसान कितना हो जाता पैसों का। आओ तुम समझाइए इधर, आ देखो जी इधर आ पानी खड़ा ट्रैक्टर के बिच, यह पानी मतलब ट्रैक्टर अपना हुण ज़्यादा सूएज वड़ के धोता पे या टोबे टाबे के धो लेने, जिमें आप अक्सर इनू मतलब चल डबो के धो लिया। तो देखो तो बैरिंग बोलन लग गया, बैरिंग आवाज़ करता, दाग ही हो गया पानी लग के। तो इधर देखो अपना जो व्हील है इनू जंगाल पै गया, सारे सारा खराब हो गया है। ये नवा समान थी मतलब ये पट्टी मिस हो रही है समान की जंगाल पै के सिर्फ पानी करके। तो इधर देखो समान यदा आ फिंगर जाम होने लग गई, वो खड़ गई उत्थी पानी लग गया। लै बैक मुड़ने चाहते ने इस तरह, लै कोई मतलब फिर क्लच भारी हो जाता बहुत ज़्यादा नजायज़। सारे दे मतलब पानी ने ट्रैक्टर का क्लच बिल्कुल ख़राब कर रखे, सिर्फ अपनी गलती करके आप मतलब धो लें, पानी अंदर बढ़ जाता तो फिर वो निकलता है नहीं छेती। तो आ देखो तबे तूबे सारा वगैरह का समान सारा ये फेसा पानी लग गया, सारे खराब हो चुके ने, आ प्लेट खराब हो गई यदि। तो अक्सर मतलब ज़्यादातर नुकस पैंदा है पानी करके। तो दूए नंबर पर ट्रैक्टर के बच्चे मतलब देखने को मिलता, मतलब जो ट्रैक्टर मतलब धो के खड़ा दिया कि तो सर्विस स्टेशन से धोने आप, वैसे तो सर्विस स्टेशन ट्रैक्टर धोना चाहिए ज़्यादातर, जिमें डबो के धोने कोई चीज़ बिच बाड़ लिया किसी टोभे से किसी सूए के बाड़ लिया जा किसी खाल से बड़ के धोन लग गए, वो आ समस्या पानी खड़न वाली आ जाती है। पर सर्विस स्टेशन के आप चलाने धवा के लिया ना, तो एक तो यदि आह रबड़ जरूरी होंगी है, फोड़ रबड़ लगी भी आह कई रबड़ निकली होंगी है, इधर दिखा दे आह रबड़ जरूर मतलब अपनी गौर रखो भी पा होनी चाहिए बिच, नहीं पानी सर्विस स्टेशन धोने तो इतने ही बढ़ जाता पानी दे। तो पानी ये जाण करके क्लच दे ट्रैक्टर जाके घने खड़ा लिया, वो तो बाद आपां मन करो भी अज आपां कम की लोड़ नहीं हैगी। जदों आपां ट्रैक्टर स्टार्ट करना है उदों दो चार महीने लंघ जाते हैं खड़े नूं धवा के लिया के खड़ाता, जब स्टार्ट करते हैं सल्फ मारते हैं गेयर पाया ट्रैक्टर जाके कंध च वजदा, क्लच नाल ट्रैक्टर रुकना बंद हो जाता, यदि क्लच बिट अंदर चिंबड़ जाती है पानी लग के जुड़ जाती है। तो वह ही मतलब मसला है, जो ट्रैक्टर आप धवा लिया तो ट्रैक्टर अद्धे क्लच के उत्ते गर्म करो थोड़ा टाइम, जान सर अंदर ना लाओ धुमा सर, उन्होंने चलाओ कुछ टाइम क्लच में गर्म करो, जब पानी की जो मतलब अंदरों सलाब है चक्की जाऊगी फिर ट्रैक्टर आप अंदर लाओ। तो दूए नंबर पर एक आ भी नुकता ये जिमें आ पैडल होंगे अपना क्लच वाला, ये मतलब उरे पैदान लगे रहते हैं, हम पैदान खोले पे ने थोड़ा मतलब समझ नहीं लगनी, तो इस तरह मतलब पैदान लगे होंगे उरे, तो पैदान के इन नीचे करके एवें इसे गुड़का डा दो, अद्धा क्लच दब के हेठा गुड़का ला दो, ऐ क्लच में ट्रैक्टर खड़ा अपने एवें दब के हेठा गुड़का डा दो, गुड़का डाने वाले हाफ क्लच मतलब खुलिया रहेगा जुड़ूगी नहीं प्लेट अंदर अपनी, बस यही थोड़ी जानकारी देनी थी। तो सानू ये ट्रैक्टर भी वीडियो तो आम लाई पई है, ये ट्रैक्टर काफ़ी केस आते हैं इस तरह, मैं चलो लोगों का भला हो जूगा जे किसी समझ आ जाए गल बारे। सत श्री अकाल जी, बाकी धन्यवाद वीडियो देखने सारे का, ओके जी।